हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। जब भी ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस की बात आती है तो स्टूडेंट्स आर क्वाइट कंफ्यूज कि कैसे इसमें काम होगा, तो आज थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी कई वीडियोज मैं बना चुका हूँ इस पर। तो सबसे पहले आपको ओपन ऑफिस को ओपन करना है। जैसे ही देखिए, ये ओपन ऑफिस है हमारा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपको जाना है कहाँ, सीधा आ जाना है डेटाबेस पर। तो डेटाबेस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये ओपन ऑफिस का डेटाबेस है। यहाँ पर जाकर के नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस और फिर यहाँ से फिनिश कर दीजिएगा। जैसे ही फिनिश करेंगे तो यहाँ पर सेव कर दीजिएगा इसको, और सेव करने के बाद यहाँ पर एक नया सिनेरियो ओपन होगा जो इस तरीके का दिखेगा आपको। ये जब सिनेरियो आ जाए तो आपको टेबल क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे जाना है। ऐसे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर डिजाइन व्यू आपको दिखता है। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम कैसे टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पर हम इसे प्राइमरी की बनाना चाहते हैं क्योंकि हम इसे रखना चाहते हैं प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे हम दे देंगे आईडी, केवल आईडी दे देता हूं। तो ये आईडी हमारी प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की कैसे होगी, यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसे बना देंगे प्राइमरी की। यहाँ नीचे प्राइमरी की आपको दिख जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दे दीजिएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये दे दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको दे देना है नेम ऑफ प्रोडक्ट, और जैसे ही नेम ऑफ प्रोडक्ट देते हैं इसका डेटा टाइप वेयर क्या रखिएगा। यहाँ पर चाहे तो ऊपर वाला डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप आपको मिल जाते हैं पहले से बने बनाए, ठीक है ना। यहाँ पर चाहे तो एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट के लिए कौन सा डेटा टाइप हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो ये डेट एंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। डेटा टाइप यूज कर लेना है यहाँ से एक्सपायरी के लिए। और यहाँ पे दे देंगे प्राइस। प्राइस के लिए हम करेंसी चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करेंसी डेटा टाइप है या नहीं ये हमें देखना होगा। तो यहाँ पर करेंसी डेटा टाइप हमें नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीजर या डेसिमल या फ्लोट चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, या डबल चूज कर सकते हैं। आप जैसा हो वैसा चूज कर सकते हैं, समझ आई बात। अगर आप इंटीजर चाहते हो तो इंटीजर भी चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं डेसिमल चूज करूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे यूनिट करूंगा, यूएनआईटी, यूनिट कर दिया। और जैसे यूनिट करेंगे तो यहाँ पर यूनिट डेसिमल में भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप चाहे तो डेसिमल चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमें टोटल करना है, टोटल। लेकिन ये टोटल यहाँ से हो नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप ये डाल सकते हैं कि ये किस चीज, जैसे आईडी है तो आईडी एज अ प्राइमरी की है। प्राइमरी की आपको पता ही है यूनिक की होती है, हर डेटाबेस में प्राइमरी की का जिक्र होता है, तो यहाँ पे प्राइमरी की डाल दिया एज अ प्राइमरी की, ठीक है ना। और ये जो है ना नेम ऑफ प्रोडक्ट इज अ टेक्स्ट डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप। डिस्क्रिप्शन में यही सब लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके आप आगे की चीजें लिख लीजिएगा। और यहाँ से ये जो है ना सेव का बटन है, इस पर क्लिक करिएगा। ये टेबल वन के नाम से सेव हो रहा है, आप चाहे तो जिस भी नाम से इसे सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको फील्ड प्रॉपर्टीज मिलता है, यहाँ से आप फील्ड प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी तरीके से रखना है, तो ओके कर देते हैं। ये हमारी टेबल बन गई है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको टेबल नजर आएगी, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अगर मैं वन दे देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ कीबोर्ड, तो ये दे दिया कीबोर्ड। और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट, कीबोर्ड की तो कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं होती है। खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे कीबोर्ड की प्राइस है 400 रुपए, तो ये 400 दे दिया और यूनिट 6 आ गया। लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं आएगा अभी आपका। यहाँ पे अगर 2 कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माउस, तो यहाँ पर अभी माउस जो है 200 रुपए का है, और यहाँ पे कर देता हूँ 67। लेकिन यहाँ पे टोटल करने के लिए क्या वे हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले इसको क्लोज करते हैं, ये जो विंडो है इसको हम पहले क्लोज करेंगे। तो ये क्लोज कर दिया, अब हमें कहाँ जाना है, सीधा सीधा क्वेरी पे जाना है। क्वेरी पे जाकर के क्वेरी डिजाइन पे जा सकते हैं आप, या ये दिया हुआ है क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, तो आप एसक्यूएल व्यू पे भी जा सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू आप क्वेरी बनाना चाहे तो। लेकिन फिलहाल हम क्वेरी डिजाइन में जाएंगे, और ये क्वेरी डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे ऐड करवा लेंगे इस टेबल को, और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास टेबल मौजूद है, ऊपर देख सकते हैं इसमें क्या क्या फील्ड्स पड़ी हुई है, ये भी आपको दिखाई पड़ी रहा होगा। यहाँ से हमें नेम लेना है, एक्सपायरी डेट तो छोड़ देना है क्योंकि जरूरत नहीं, और यहाँ पे यूनिट लेना है, ठीक है ना। नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस और यूनिट लेना है। यहाँ पे हम टोटल करना चाहते हैं इसका, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको टोटल जो मेंशन करना है ना, जो फील्ड नेम देना है उसको ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, और बाकी अलियास के अंदर। और बाकी आपको जो टोटल करना है ना, मल्टीप्लाई या जो भी आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क करने हैं, ये यहाँ पे आएगा। और हमको आपको शायद याद होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करते थे, लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डबल डॉटेड कोट्स यूज करेंगे, ठीक है ना। ये डबल डॉटेड कोट्स लगाया, यहाँ पे प्राइस को मल्टीप्लाई करना है यूनिट से, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट। इस तरीके से आपको कर देना है, और आई होप कि ये काम हो जाना चाहिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। तो ये क्वेरी वन के नाम से सेव हो रहा है, इसको चलिए कोई और नाम भी आप दे सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट क्यू कर देता हूँ, प्रोडक्ट क्यू, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्वेरी,
तो प्रोडक्ट क्यू कर दिया हमने और इसको सेव कर दिया। अब इसको बंद करते हैं, यहां से देखते हैं क्वेरी बन, यहां देखिए क्वेरी बन गई है और डबल क्लिक करते हैं यहां पर जैसे ही आते हैं तो आपको टोटल भी नजर आता है, क्लियर है ना। तो यहां पर भी सॉफ्टवेयर बनाना आसान है, ठीक है ना, आप चाहे तो यहां से शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम चलेंगे इसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद वापस से हमें टेबल पे जाना है, टेबल पे आए, यहां पे टेबल पे आना है हमें और टेबल हमें लेनी है, ठीक है ना। टेबल में हमने दो ही चीजें एंटर करी हैं, अब यहां पे तीसरी चीज एंटर करता हूं, ठीक है। यहां पे लिखता हूं सबोला रिफाइंड, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट चीज, अब इसकी एक्सपायरी डेट होगी, यहां पे इसका प्राइस 400 रुपए टाइप कर दिया और यहां पे क्वांटिटी 67, इस तरीके से टाइप करते चलेंगे। यहां पे लिखता हूं फॉर्च्यून रिफाइंड, तो ये दूसरा यहां पे प्रोडक्ट एंटर किया। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, ये फील्ड नेम में यहां पे देख सकते हैं आईडी दिया गया, तो आईडी को प्राइमरी की बनाया तो ये डालना बहुत जरूरी। तो ये यहां पे दे दिया हमने और यहां पे अब इसको सेव कर देते हैं, सेव करके अब यहां पे इसको क्लोज करते हैं, देन क्वेरी पे आते हैं वापस से। तो क्वेरी को यहां पे आना है, डबल क्लिक करना है, तो यहां पे देखेंगे ऑलरेडी हमारी क्वेरी अपडेट हुई पड़ी है, ठीक है। अब इसको शॉर्टिंग करना है, यहां से जाकर के शॉर्टिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यहां दिखा रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप शॉर्ट हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। यहां पे जाइएगा और यहां पे फील्ड नेम किसके हिसाब से नेम ऑफ प्रोडक्ट को असेंडिंग ऑर्डर में हम शॉर्ट करना चाहते हैं, तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट भी हो।